Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 32nd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 31 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Let's start solving this one. अब ध्यान रखिएगा, ये NCERT textbook का question है जो कि CBSE 2014 में पूछा गया था। इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे questions और NCERT textbook के सारे questions को solve करते हैं, तो please चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो सॉल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा बॉय है, ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय है और ये जो पूरा टावर है, ये टावर का हाइट दिया हुआ है 30 मीटर टॉल टावर है और द बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जब बंदा शुरू में खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री था टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और थोड़ा आगे जब वो चला तो ये एंगल बदल के हो गया 60 डिग्री। ओके, तो हमको निकालना है कि ये बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, अब देखिए, बंदा इतना डिस्टेंस चला है जो हमें निकालना है, इसको मैं बोलता हूँ x1, और ये जो दूसरा डिस्टेंस है जो बचा हुआ है इसको मैं बोलता हूँ x2। अब अगर ये x1 है तो ये डिस्टेंस भी x1 होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और ये x2 है तो ये डिस्टेंस भी x2 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये 1.5 मीटर्स है तो ये भी 1.5 मीटर्स होगा, और ये 30 माइनस 1.5 होगा यानी कि ये 28.5 होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है 1.5 होगा और ये डिस्टेंस जो है ये 28.5 होगा। मैंने 30 माइनस 1.5 किया है। ओके, अब मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो पहले छोटे ट्रायंगल में लगा लेते हैं जो कि है बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन सिक्सटी होता है बी डी अपॉन एक्स टू। ओके, बी डी अपॉन एक्स टू, यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री बराबर होता है बी डी। बी डी की वैल्यू है 28.5 अपॉन एक्स टू, तो यहाँ से मुझे एक्स टू की वैल्यू मिल जा रही है, एक्स टू इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल पर आ जाते हैं। मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे आगे कहीं पर रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक साथ सब कुछ सॉल्व कर लूँगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या लग जाएगा, टेन थर्टी इज इक्वल टू फिर से बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, बी डी अपॉन ए डी, और ये टेन थर्टी हो जाता है 1/√3 इज इक्वल टू बी डी यानी कि 28.5 अपॉन ए डी, और ए डी है एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू मुझे निकालनी है प्लस एक्स टू की वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो एक्स टू की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं इसे अभी तो एक्स टू ही लिख देता हूँ, बाद में ये वैल्यू मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इधर से मुझे पता चल जाता है कि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब मैं एक्स टू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसे मैं इक्वेशन वन बोलता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन रिमेन्स एक्स वन प्लस 28.5 डिवाइडेड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री, ये आ गया। अब मैं एक्स वन को इधर रखता हूँ और बाकी सब इधर ले जाता हूँ, तो ये 28.5 मैंने कॉमन ले लिया और बच गया रूट थ्री माइनस 1/√3। ठीक है, इस पार्ट को मैं अगर ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 28.5 और ये आ जाता है 2/√3। ठीक है, अब इसे मैं ऊपर नीचे दोनों 28.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है 57√3/3
या फिर एक्स वन की वैल्यू बन जाएगी 19√3। ओके, एक्स वन की वैल्यू है 19√3। तो अब देखिए, ये जो डिस्टेंस ये बंदे ने ट्रैवल किया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये जो एक्स वन डिस्टेंस है, जो ये बंदा चल के इधर आया है, ये डिस्टेंस है 19√3। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। इन केस यू वॉन्ट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन फॉर यू, डू पुट डाउन योर क्वेरीज एट द व्हाट्सएप नंबर मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। चीयर्स एंड गॉड ब्लेस।